ये धुआं वहां मत छोड़ भाई भाई इधर कैमरा में उधर डिफरेंट। अरे कैमरे में क्या बोलेंगे, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, क्या बोलती है जनता? बराबर बराबर। मर गए तो माफ नहीं, तू 15-20 साल। और वैसे ये चांदी जैसी दिखती है नहीं दिखती? नहीं, आज तो बर्थडे है, आज तो सभी चांदनी की जैसे दिखना चाहिए। अल्लाह ब्लेस हर। एंड ठीक है, मेरी गाना गा देता हूँ मैं आज, तो ये गाना बहुत गा रहा हूँ, लेकिन यार कोई बुरा मन जाएगा। देखो देखो ये जिस हिंदुस्तान की लड़कियां बुरा मान जाएगी। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से है दूर, चांदनी कहाँ, लौट के आना है यही तुमको, जा रही हो तुम, जाओ मेरी जान, वैसे तो हर कदम मिलेंगे लोग तुम्हें, मिलेगा सच्चा प्यार मुश्किल से, दिल की दोस्ती थी खेल नहीं शर्म, दिल से दिल है मिलता यार मुश्किल से, यही तो है सनम प्यार का फसाना, मैं हूँ। तो ये बर्थडे घर के लिए गाना था चांद मेरा दिल चांदनी तो। राइटर ने जो भी लिखा है झूठ लिखा है, ऐसा होता नहीं है। पहले एक दो महीने ऐसा ही होता है, 3 महीने तक भी हो सकता है चांद मेरा दिल चांदनी तो, उसके बाद बोले अरे क्या हो गया, थोड़ा लेट हो गया। अरे तुम तो ऐसे हो, तुम्हारा नहीं है तो। अरे भाई क्या हुआ यार, मैंने क्या किया? नहीं कुछ नहीं, तुम लड़की को देख रहे थे, बाहर खड़ी थी, मैंने देखा उसकी ताजी देख रहे थे। अरे मैंने सोचा अंग्रेज के साथ देखा लेता हूँ, उसको हिंदी समझ में नहीं आई। अरे मेरे भाई उसको भी हिंदी आ गई। क्या होता है ना, हम लड़के जो होते हैं वो हम, हमारी ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम सिर्फ लड़कियों को देखते हैं। देखो अगर हम लोग नहीं देखेंगे तो इन लोग आईने में देख देख के लाली पाउडर लगा लगा के बुढ़ी हो जाएंगे और पूछेंगे आईने से मैं कैसी दिख रही हूँ। इससे ऐसे हम लोग देख के बता देते कि आप अच्छी लग रही है, टेंशन मत लीजिए, आपने जितना पैसा खर्चा किया है टेंशन नहीं है, है कि नहीं? देखिए आज ये कैसी लग रही है, ब्लू में एकदम। नहीं अच्छा ही बोलूंगा मैं आज तुम्हारे बारे में। वैसे यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं जिनके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगा। मेरे आज यहाँ पे मुझे बहुत पुराने दोस्त मिले, बोलते ना कि ये मेरे सारे यहाँ पे दोस्त है, बब्बोश जो मेरा एक बहुत पुराना 10 साल का दोस्त है, फिर ये राज है, फिर दासी भाई है, फिर जग्गी है, ये सब मेरे पुराने दोस्त हैं। तो दोस्तों के लिए भी एक गाना होना चाहिए ना यार। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों, रह जाती है दोस्ती, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। दौलत कमाई कुछ ना कमाया, शोहरत कमाई कुछ ना कमाया, उसने कमाया दुनिया में लोगों, जिसने कमाई दोस्ती, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। जिसकी दुनिया में अच्छे दोस्त नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। दोस्त होना बहुत जरूरी है, चाहे वो कभी नहीं क्यों ना हो। शुभकामना तो अलग अलग सेलिब्रेशन से होती है, और मैं इसको बहुत जो कि जिंदगी भर याद रहे उस तरह से शुभकामना दे चुका हूँ। और क्या कहना चाहेंगे आज सेलिब्रेशन? शी इज वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, काफ़ी दिनों से
हम लोग साथ हैं और उसको शुभकामनाएं ही रहे कि उसके साथ पार्टी करेंगे, मस्ती करेंगे और सब दूर से ब्लेसिंग्स ला के उसको देंगे कि शी शुड शाइन लाइक अ स्टार इन द स्काई। आज पार्टी कर रहे हैं, एक तरफ आज इंडिया में दुख का माहौल, डिप्रेसिंग तो है और इसी तरह से शायद वो सेलिब्रेशन नहीं हुआ तो ये सेलिब्रेशन से हमारा फ्रस्ट्रेशन निकाल लेंगे। ये जो मैं बर्थडे मना रही हूँ काफ़ी सालों के बाद, काफ़ी सालों के बाद मैं बर्थडे मना रही हूँ। मैंने लगभग मतलब 8-9 साल 10 साल हो चुका है मैं कभी कोई बर्थडे मना ही नहीं, बिकॉज मैं अपने कामों में इतनी बिजी रहती हूँ और टाइम ही नहीं मिलता है। एंड टुडे आई एम रियली हैप्पी एंड थैंक्स टू बाबूज कि उन्होंने मतलब मेरे मतलब आई डोंट नो टुडे सप्तमी एंड मेरी नवरात्रि भी चल रही है उसमें लाइक बाबूज ने मुझे मतलब एक गॉड गिफ्ट दे दिया। ये मेरे पार्टी मतलब इतने हैपनिंग उसने किया बाबूज ने और ये पूरी क्रेडिट बाबूज को भी जाती है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू बाबूज एंड मेरे फूड और जितने भी मेरे गेस्ट हैं थैंक यू सो मच ईजा देन जितने भी मेरे गेस्ट आए हुए सबको भी थैंक्स एंड इवन आप लोगों को भी कि आप लोग हाँ साधा बोल सो सो आई रियली थैंक्सफुल ऑल माई गेस्ट कि वो आए और मुझे इतने बड़े और इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए। गिफ्ट तो इज़ नॉट मैटर कि वो लोग मेरे लिए आए और मेरे लिए प्रेजेंट हुए एंड आई एम रियली हैट्स ऑफ कि आई एम रियली हम्बल टू एवरीबडी। या इजाज ने तो थैंक यू सो मच आई लव यू इजाज कि उन्होंने मेरे लिए मतलब गाने गाए इवन और इतने अच्छे गाने आज तक किसी ने इतना तारीफ नहीं किया था कि मैं भी खूबसूरत हूँ मुझे आज पता चला कि आई एम ऑल्सो ब्यूटीफुल एंड थैंक्स टू इजाज कि उन्होंने मेरे लिए गाना गाया एंड और क्या बोलूँ मैं, मेरे पास नो वर्ड, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। अब तक आपने जो भी काम किया है बहुत अच्छे पैमाने पे किया है लेकिन अपकमिंग जो आप करना चाह रही हैं वो अपने ऑडियंस को बताइए क्या कर रही हैं। अपकमिंग तो बहुत कुछ करना चाहती हूँ, जस्ट आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ कि यार आने वाली जनरेशन मुझे देख के जिए, बनना है तो दिशा जैसी बननी है, मैं तो ना बनूँ जो भी लड़की है, करने की कोशिश कर रही हूँ। बिल्डर में हूँ, कंस्ट्रक्शन में हूँ, फिल्म लाइन में हूँ, जस्ट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि देखते बाकी सब गॉड ब्लेस उनके हाथों में, वो जहाँ पे चाहते हैं मुझे पहुँचाना, इफ़ आई डिजर्व देन मैं पहुँच जाऊँगी अपने आप अपने कामों से। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच माई ऑल मीडिया कि आप लोग मेरे रिपोर्ट ले रहे हो, थैंक यू सो मच एंड आप लोग मेरे पार्टी में ज्वाइन किए, थैंक यू सो मच एंड ऑलवेज।